मिर्जापुर से बड़ी खबर, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार चार लोगों के मौत की खबर है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला सामने आया है मिर्जापुर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत। हादसे में बाइक पर चार लोग सवार थे, बताया जा रहा है उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस मौके पर है, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन सड़क के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी और एक बाइक पर चार लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि टक्कर में दर्दनाक हादसे में मौके पर ही चारों लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर से बड़ी खबर मिल रही है, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हो गई है, टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार चार लोगों की मौत की खबर है। पुलिस मौके पर है, चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी थी, बाइक पर चार लोग सवार थे, जोरदार टक्कर होती है और इस दरमियान चार लोगों की मौके पर मौत। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अब पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। सड़क के किनारे ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जिस हादसे में चार लोगों के मौत की खबर मिल रही है, बताया जा रहा है ये चारों बाइक सवार थे। बड़ी खबर मिर्जापुर से, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर। तो देखिए मिर्जापुर सड़क हादसे पर सीएमओ ने ट्वीट करके दुख जताया है। ट्वीट का कंटेंट आपके सामने रखते हैं, जहां पर मिर्जापुर में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो देखिए सीएमओ ऑफिस की ओर से ये ट्वीट सामने आया है, चार लोगों की मौके पर मौत हुई है और घायल लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। और सीएमओ ऑफिस की ओर से ये ट्वीट करके आश्वस्त भी किया गया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। और उधर जालौन में एसपी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरलेस सेट पर ही एसएचओ एसएसआई को सस्पेंड करने का आदेश, जहां थानेदार पर रेप पीड़िता के पिता पर दबाव बनाने का आरोप है। एटा के एसएचओ पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप है। परेशान रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस पूरे मामले पर जांच बिठाई गई थी। बीती 5 मई को जालौन में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुलिस पर रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए बल्कि पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया गया। इसके बाद क्षुब्ध होकर परेशान होकर पीड़ित पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला सामने आने के बाद गुस्साए एसपी ईरन राजा ने सेट पर ही थाने एसएचओ एसएसआई को सस्पेंड कर दिया। कहा, डंडे की भाषा ही समझाऊंगा। एसपी जालौन ईरन राजा का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज की जो घटना है वो दिखाती है कि भाई पंचायत मोड से बाहर नहीं निकल पाए, और आज बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली घटना थी जो आज हुई है। उसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। जो हमारे एसएचओ 8 का जो कृत्य है, एसएसआई का जो कृत्य है, वो बिल्कुल इस तरह का है कि बिल्कुल डूब मरने वाली स्थिति है। शर्म आनी चाहिए हम लोग को कि हम आज के समय में FIR लिखने में और ये पंचायत मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गरीब पीड़ित को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। 30 तारीख को पीड़ित थाने पर आता है, 30 तारीख को उसको टहला दिया जाता है, बेवकूफ़ बना के भेज दिया जाता है। माइनर लड़की है, कैसे भी संबंध बने हो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जब माइनर लड़की है फिर क्या कंफ्यूजन था भाई? माइनर लड़की के संबंध में तो आप तत्काल मुकदमा पंजीकृत करेंगे, कितने बार आपको बताया जाए? और किस एसएचओ को कंफ्यूजन है? मतलब रेप जैसे मामले में आप लोग पंचायत करने बैठ जाते हैं यहाँ पर? ये मुंशी एसएसआई एसएचओ एडिशनल एसएचओ सबके नाकारा बैठा रखे हैं क्या मैंने यहाँ पर? किसी का कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। अब उसके लड़की के पिता ने किन हालातों में आज आत्महत्या की? लेकिन आत्महत्या तो उसने की और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।